वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम तरुण। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जो कार्विंग टूल्स हैं इनकी जो धार है वो किस तरह से तेज लगाई जा सकती है, किस तरह से जो मेरा जो अपना तरीका है वो क्या है, और कम समय में बहुत ही ज़्यादा शार्प, किस हद तक इसकी शार्पनेस बढ़ाई जा सकती है, चलिए देखते हैं। मैं अभी शुरू करता हूँ। वो हमारा जो पुराना तरीका है इसमें काफ़ी टाइम स्पेंड होता है और काफ़ी समय की बर्बादी। मैं पिछले अपना जो मेरा तरीका है मैं उस तरीके से पिछले 10 साल से टूल की शार्पनेस करता आया हूँ, धार लगाता आया हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आप कहेंगे कि वह पहले तो देखिए, ये हमने आगे से इसकी एज ख़त्म कर दी है, धार ख़त्म कर दी, वो इसलिए कि अब जो मेरा अपना जो तरीका है मैं उस तरीके से आपको लगा के बताऊंगा, तो क्लियर हो जाएगी कि धार मैंने पहले से लगा के नहीं रखी हुई है, ये क्लियर आपके सामने ही होगा जो कुछ होगा। ठीक है, ये है रेड वाली पैड, ये पॉलिशिंग के काम आती है पैड, लगभग 120 नंबर है इसका, और 120 नंबर की जो पैड है सबसे पहले हम अपने टूल को उस पर शार्प करें। इस बीच में मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप प्रॉपरली पूरी तरह से इस 120 नंबर वाली जो लाल पैड है, रेड कलर की जो पैड है, ये पॉलिशिंग के काम जो आती है, उस पैड पर पूरी तरह से आप इसको न करना चाहें, इसकी एज पहले से आपको पथरी पे बना लेनी चाहिए, ये इस तरीके से, ये मूवमेंट इस तरीके से। ये तो खैर मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखेंगे कि इधर एक बाल टाइप, बाल की तरह की एज इधर डाउन हो जाती है, लोहे की एज ये शार्प होने के बाद में इधर डाउन हो जाती है, वो हुई है नहीं। अब ये क्लियर इधर डाउन हो चुकी है, अब हम इस पे काम कर सकते हैं। करने के बाद अब आएगी पॉलिश वाली पैड, और पॉलिश वाली पैड में एम्ब्री, ये गुलाबी कलर की जो एम्ब्री है, ये सफ़ेद कलर की पैड है, वाइट कपड़े की तरह की होती है, और ये पॉलिशिंग के काम आती है, स्टील पॉलिश में, ये आसानी से आपको दुकान पे मिल जाएगी, स्टील पॉलिश का जहाँ सामान मिलता है। अच्छा, ये रेड कलर वाली पैड पे हमने इसकी एज शार्प करने के बाद, जो इस पे रगड़ने के बाद जो बाल की तरह का वो लोहे का एक लेयर आई थी वो हमने उस पे घटा दी, घटाने के बाद अब हम इस पे इसकी पॉलिशिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं जो स्मूथनेस है, जितनी ज़्यादा स्मूथनेस कार्विंग टूल्स में होगी वो उतना ही चिकना लकड़ी को काटेगा और गहराई से काटेगा। अब इस पे एम्ब्री को लगाने का तरीका है ये इस तरह, ये लग चुकी है एम्ब्री, और इस साइड भी हम एम्ब्री लगा लेंगे। राउंड की तरह, राउंड की तरह से ये साइड यूज करेंगे, इससे पहले हम ये एम्ब्री लगाएंगे।
तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये खाली चिकना ही नहीं हुआ है, चमकदार ही नहीं हुआ है, शार्प भी हुआ है, जिसका कि मैं अभी ये थोड़ा गर्म है, जिसका कि मैं आपको अभी टेस्ट करके बताता हूँ। घबराइए मत, मैं अपना हाथ नहीं काटूँगा, मैं सिर्फ बाल काटूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहे होंगे, फिर से देखिए, आप देख सकते हैं। कम से कम कार्विंग्स में इतने शार्प तो टूल्स चाहिए ही चाहिए, और मेरा जो अपना अनुभव है, कार्विंग टूल्स जितने चिकने होंगे, हमें स्ट्राइकर की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से बिना किसी स्ट्राइकर से हम हल्के से दबाव में भी लकड़ी को छील सकते हैं।